मैं डॉक्टर अनघा कुलकर्णी आज आपको बहुत ही छोटी सी बच्चों को जो बहुत अच्छी लगती है वो आज आपको मैं रेसिपी दिखाने वाली हूँ, टोमेटो का सूप। वैसे तो आपने बहुत बार टोमेटो सूप किया होगा, लेकिन जो गलती आप बहुत बार करते हो वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको अगर हेल्दी न्यूट्रिशियस सूप बनाना है तो देखिए ये कैसे बनाना है। ये सूप आप अगर आपको जुकाम खांसी होती है, फीवर आता है, तब भी आप ले सकते हो। जब कभी भी आपको डिस्फेजिया होता है, निगलने में कभी तकलीफ हो जाती है, तब ये सूप आप बिल्कुल आसानी से ले सकते हो। बहुत ही पौष्टिक है और इसका ये औषधि भी बहुत है। तो ये औषधि टोमेटो सूप कैसे बनाने का ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। देखिए वैसे तो आप टोमेटो तो पहले उबालते ही होंगे, वैसे आपको कुकर में टोमेटो सूप करने के लिए टोमेटो रखने हैं, लेकिन उसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि पहले ही टोमेटो में बहुत ज्यादा पानी रहता है। तो कुकर में अंदर पानी डालिएगा, लेकिन एक बर्तन रख के बर्तन के अंदर टोमेटो डालिएगा और एक सिटी करने के बाद बस करिएगा, क्योंकि ज्यादा सिटी करेंगे तो वो बहुत ज्यादा उबलते हैं और न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इसीलिए आपको एक सिटी के बाद उसे ठंडा होना दीजिए प्रेशर कुकर को। ये जो टमाटर्स हैं ये ठंडे होने के बाद आप मिक्सी से निकालिएगा और बाद में इस टोमेटो की जो पेस्ट बन जाती है, इसे चाहिए तो आप घी का तड़का लगा सकते हो, नहीं तो अगर आप नहीं घी का तड़का लगाना चाहते तो इस टोमेटो प्यूरी में या इस टोमेटो की पेस्ट में आप सेंधा नमक, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर डाल सकते हो और वैसे ही ये बिना उबाले भी पी सकते हो और उबाल के पिए तो भी चलता है। ये बहुत ही पौष्टिक है, बहुत ही अच्छा है। ये ऐसा टोमेटो सूप अगर सुबह शाम आप पी सकते हो, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और बच्चों के लिए ये तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप इस टोमेटो को बिना उबाले करना है तो भी आप कर सकते हो, लेकिन वो मैं अगला वीडियो बनाऊंगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।